हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैंने Binance NFT का मार्केट प्लेस ओपन किया हुआ है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि YouTube पे आप हिंदी वर्जन में अगर आप देखेंगे तो ये वाली वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। जिस टॉपिक को मैं आज कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा भैया कि NFT मार्केट प्लेस, वो भी Binance का, आप कैसे यहाँ पे क्रिएटर बन सकते हैं और कैसे आप जो है अपना NFT यहाँ पे सेल के लिए लगा सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे कोई भी NFT अगर आप बाई और सेल करना चाहें तो इजीली आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो है Binance का जो आप नॉर्मल अकाउंट यूज करते हैं वो अकाउंट होना चाहिए और उस पर आपका जो है KYC वगैरह वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए आपका। तो आप जो है कोई भी यहाँ पे देखिए NFT जो भी है $538 की NFT है, इसको आप यहाँ पे बाई करिए और अपने अकाउंट पे सेल के लिए आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जो है बीडिंग भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप जो है खुद का क्रिएट किया हुआ NFT अगर आप Binance पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप पूरी YouTube पे सर्च करेंगे तो ये वीडियो पहली होगी जो कि हिंदी वर्जन में मैं आपको एकदम आसान शब्दों में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप Binance पे कैसे क्रिएटर बन सकते हैं। क्योंकि Binance NFT मार्केट प्लेस पे क्रिएटर बनना बिल्कुल ही आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको हो सकता है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो हो सकता है 1 महीने लग जाए आपको वहां पे वेरीफाई करने में, वेरीफाई यूजर होने में, समझ रहे हैं? अगर आप एक बार वेरीफाई हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पे। जो भी NFT आप डालेंगे थोड़ा सा अगर अच्छा रहेगा आपका ना, वो डेफिनेटली का बिक जाएगा, यहाँ पे सेल होना तय है। क्योंकि अगर आप ओपनसी मार्केट पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने ओपनसी मार्केट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अंडू झंडू क्रिएटर हो कुछ भी नहीं आता उसको, वो पेन से खींचा खुचा के अपना यहाँ पे अपलोड कर सकता है। वो भी यहाँ पे क्रिएटर अप्लाई करके, मतलब तुरंत विद इन सेकेंड मिनट में भी हो जाता है और यहाँ पे जो है कि अपना NFT अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या ना भसड़ मच जाती है पूरा, जितने भी आप NFT मार्केट प्लेस जैसे ओपनसी हो गया और भी दो चार हैं, अगर आप वहाँ पे अगर करेंगे ना तो इतने ज़्यादा यूजर्स हो जाते हैं, मतलब सेल करने वाले ना, कि आपकी NFT हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकने में। लेकिन मैं अगर Binance की मैं बात बताऊँ तो भैया Binance ऐसा है कि आप जो है ना जब अप्लाई करेंगे, अगर आप काबिल रहेंगे तो ही जो है कि आप जो है यहाँ पे वेरीफाई यूजर बन पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ही आप यहाँ पे अपना खुद का NFT अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है आप रिजेक्ट हो जाएंगे और आप अपना NFT यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो सेल करने का आप जो है भूल जाइए, समझ रहे हैं? तो मैं आज आपको पूरा तरीका हिंदी में बताने वाला हूँ, वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर आपने ये चीजें कर दी तो आपके लिए समझ लीजिए कि NFT में काम करना, वो भी Binance जैसे NFT मार्केट प्लेस पे, तो आपके लिए राह आसान हो जाएगी पैसे कमाने का, समझ रहे हैं? अब देखिए भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास आपका खुद का Binance अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है Binance का, उस पर अपना KYC कर लीजिएगा, अकाउंट वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करना भैया Binance NFT मार्केट प्लेस। Binance NFT अगर आप सर्च कर लेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे बाई एंड सेल NFT Binance, इसको आप कर लीजिएगा। अगर आप एक्सचेंज यूज करते हैं एप्लीकेशन का तो वहाँ पे आपको NFT का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप जाके वहाँ से भी आप फोन से भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको भैया यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको चले जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बारकोड दिख रहा होगा, अगर आप जो है मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज करते होंगे Binance का, तो Binance एप्लीकेशन में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ना बारकोड स्कैन करने का एक ऑप्शन मिलता है। ये बारकोड जैसे आप पट्ट से स्कैन कर देंगे ना, आपका अकाउंट देखिए सेकेंडों में लॉगिन हो जाता है, ठीक है? ये आपको देखिए मैंने यहाँ पे ईमेल नहीं डाला, मैंने फोन नंबर नहीं डाला और यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, समझ लीजिए ये लॉगिन हो चुका है अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना भैया, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूजर सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको चले आना है। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग के ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है? सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक पे जाइए। बेसिक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेट निक नेम एंड अवतार, इस पे आप चले जाइए। इस पे जाने के बाद आपका यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे NFT अपनी अपलोड की ना तो आपका जो है कि नाम नहीं दिखेगा, एनोनिमस यूजर आपको ये देखिए यही वाला आएगा, ठीक है? इसको एडिट करके यहाँ पे अपना बाकायदे जो भी नाम है अपना, वो नाम अपना यहाँ पे डाल दीजिए। निक नेम मैंने यहाँ पे सूर्या डाल दिया, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी एग्जिट है, तो इसको आप जो है ना कुछ और आप चेंज कर दीजिए। अब देखिए मैंने अपना यहाँ पे पूरा नाम कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो अब देखेंगे तो मेरा ये जो निकनेम है भैया यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल लगा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, प्रोफाइल बहुत जरूरी है भैया, आप कैसे पहचानेंगे लोग आपको, ठीक है? यहाँ पे अपना प्रोफाइल चेंज पे ऑप्शन पे जाके अपना कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ से जो है कि बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपका यहाँ पे बायो डालना है, बायो में अपना जो है कि जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है थोड़ा एक दो लाइन का आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। बैनर आपको यहाँ पे डाल देना है, साइज आपका 1440x460 का होगा, आपका यहाँ पे एक बैनर क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे कि आप अपना फेसबुक पे कवर फोटो अपलोड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बैनर काम करता है, आप यहाँ से इसको करके यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिएगा, ठीक है? बैनर वगैरह अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कन्फर्म कर दी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कैसे चीज़ें करनी है, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, ठीक है?
अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको चले जाना है। सपोर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किस बारे में सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो एनएफटी वाला मैटर है यहाँ पे कुछ एनएफटी का कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एनएफटी सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पे एनएफटी फैन टोकन इशूज मिल जाएगा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद देखें यहाँ पे आ जाएगा भैया, अब आपके सामने यहाँ पे एनएफटी क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर देखिए हाउ डू आई क्रिएट एन एनएफटी, ठीक है। इस पर आपको चले जाना है, हाउ डू आई क्रिएट एन एनएफटी। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा भैया, करेंटली ओनली प्री अप्रूव्ड क्रिएटर आर अलाउड टू मिंट एनएफटी यूजिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिया है कुछ प्री यूजर्स के लिए ये अलाउ है, यहाँ पे आप एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट योर वर्क एज एनएफटी ऑन बाइनेंस प्लीज सबमिट एन एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखिए लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्लिकिंग हेयर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिकिंग हेयर पे जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फॉर्म वगैरह भर देना है। कैसे भरना है आप देखें, यहाँ पे ईमेल आपको डाल देना है। ईमेल अपना जो भी आपका है वो अपना ईमेल यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल डाल दिया। ईमेल डालने के बाद अब आपसे पूछेगा आपका रीजन, मतलब कौन सी कंट्री है। तो मैंने यहाँ पे इंडिया अपना जो कंट्री है वो मैंने डाल दिया। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा भैया योर बिनांस यूआईडी, अगर आप फोन पे भी लॉगिन करेंगे ना तो ये प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपको यूआईडी 8 डिजिट का आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा यूआईडी होता है। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे यूआईडी लिखा हुआ है 6277 0162, ये मेरी यूआईडी है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यूआईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा टेलीग्राम आईडी, आपका जो भी यूजर नेम है वो अपना टेलीग्राम यूजर नेम अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। सूर्य ट्रेडिंग टिप्स मेरा है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा प्लीज शेयर योर अदर कॉन्टेक्ट डिटेल इंक्लूड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना भैया। नाम के बाद आप स्पेस करके अपना कंट्री कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आप इंडिया से हैं तो +91 अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा योर इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया अकाउंट, अगर आप ट्विटर पे आपके फॉलोअर्स हैं जो आपकी बात मानते हैं भैया, अगर आप यहाँ पे एनएफटी डाल देंगे उसके बाद अपने यूजर्स जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको अगर आप बोलेंगे भैया एनएफटी है मेरी यहाँ पे आप जाके बाई कर सकते हैं, लिंक वगैरह आप उनको देंगे तो आपके लिंक पे क्लिक करके यहाँ से बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस पे आके अपना बाई करना चाहते हैं तो वो लोग आसानी से बाई कर सकते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आपके चाहने वाले हैं उस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना भैया। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, नॉट एप्लीकेबल अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो भी आप मना कर सकते हैं भैया मैं नहीं देना चाहता हूँ। या आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में डाल देंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल रहेगा, इनके एडमिन चेक करेंगे तो आपका जो है कि एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर देंगे एज ए क्रिएटर ऑन एनएफटी मार्केट प्लेस बाय बाइनेंस, ठीक है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अदर सोशल चैनल या वेबसाइट अगर आपका कोई है तो आप उसका यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिंक डाल देते हैं अपनी वेबसाइट का अगर आपके पास है तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा प्लीज शेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ एंड योर एनएफटी प्रोजेक्ट प्लान, मतलब आप एनएफटी क्यों बनाना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, किस टॉपिक पे आप एनएफटी बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे ब्रीफ में इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अपना जो भी 2-4 लाइनों में आप देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपलोड योर पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना गूगल डॉक्यूमेंट्स का लिंक आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कैसे आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स में लिंक बनाना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च कर लेना है अगर आप पीसी यूज करते हैं, अदरवाइज आप जो है गूगल डॉक्स के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा मोबाइल पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक रिज्यूम टाइप का आप बना लीजिएगा। जैसे कैसे आपको बनाना मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में। यहाँ आपको सर्च करना है डॉक्स गूगल, ठीक है। ये डॉक्स गूगल आपको सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स का ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको चले जाना है। इसके बाद आपको जो यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा, टेम्पलेट पे अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो खुद से आप क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लैंक के ऑप्शन पे जाके अपने हिसाब से फ्रेश एक तरह से रिज्यूम आपको तैयार करना है। कैसे करना है जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे योर नेम है, अब जैसे कि मान लीजिए ये सारी चीज़ें आप अपना नाम डिटेल सब कुछ आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके ओपनसी मार्केट में या फिर आपने जैसे इससे पहले कहीं भी अपना जो है एनएफटी कहीं सेल किया हुआ है तो उसका आपको उस अकाउंट का आपको जो है लिंक यहाँ पे ताकि पोर्टफोलियो में दिख पाए तो आपको यहाँ पे लिंक कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने दिया है ओपनसी मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। लिंक के ऑप्शन पे जाना है और आपको उसका जो लिंक है जैसे कि आपका ओपनसी का पोर्टफोलियो जितना भी कितना बिका है कितना रह गया जो आपने बनाया है वो आपको उसका लिंक यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है।
जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो है कि फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आपको उसका अपना पोर्टफोलियो का लिंक जो आपने सेल बाई किया है इससे पहले उसका आपको लिंक यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे आपने अप्लाई किया तो जो ये वर्ड था कंपनी लोकेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो मेरा लिंक है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है अपना, जो भी बेनांस का या फिर वेजरक्स का या ओपनसी का है, कहीं कभी अगर आपका पोर्टफोलियो होगा बाई सेल अगर आपने किया फिर आपने कहीं अपलोड किया वहाँ पे बिका है, जो भी आपके पास फंड है आपके वैलेट में, उसका लिंक आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिंक बन गया ना, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फेसबुक का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा लिंक में, इस वजह से ओपन नहीं हुआ, अदरवाइज ये ओपन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद आपको इसका लिंक बना लेना। जैसे आपका ये रिज्यूम एक तरह से तैयार होगा ना, तो आपका यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। शेयर के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है। शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपका देखिए यहाँ पे दिया है चेंज टू एनी वन विथ द लिंक, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है और इसको जो है आपको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो ये लिंक है आपका ना वो पब्लिक हो चुका है, ठीक है। इससे पहले जो था वो प्राइवेट था, अगर आप किसी को शेयर करते वही आपको यहाँ पे सिर्फ देख सकता है, लेकिन अब ये प्राइवेट हो चुका है। अब इस पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। डन पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से शेयर पे जाता हूँ। शेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉपी लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉपी लिंक इसको कर लेना है। करने के बाद अब आपको यहाँ पे एनएफटी मार्केट प्लेस पे जो था उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद यहाँ पे वो जो लिंक है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये लिंक जैसे पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब भैया आपसे यहाँ पे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ योर फॉलोअर्स, जितने आपके फॉलोअर्स हैं उस सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जो है अब आपको आपके सोशल मीडिया का जो आपने इंस्टाग्राम सर्च किया था, फेसबुक का सर्च किया था, वो आपको उसका लिंक होम पेज वाला आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके उसी ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि भैया आपकी जो एनएफटी एप्लीकेशन जो क्रिएटर वाला फॉर्म है आपका वहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और मैक्सिमम जो है कि एक महीने का टाइम, आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम एक महीने का टाइम लगेगा। अगर आप इलिजिबल होंगे तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका 7 से 10 दिनों में जो एप्लीकेशन है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कन्फर्म हो जाएगा फिर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ आपका जो पेज है वो किस तरह से दिखेगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ जो आपका प्रोफाइल का आइकन है इसके बगल में क्रिएट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिप्टो एसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको अगर अपना जो एनएफटी है वो यहाँ पे अपलोड करना है तो आपके पास यहाँ पे बीएनबी में बैलेंस होना चाहिए या फिर इथेरियम में बैलेंस होना चाहिए या फिर आपका बीयूएसडी में आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो मैं अपना दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास बीएनबी पड़ा हुआ है। आप कोशिश करिएगा कि अपने वैलेट में बीएनबी डिपॉजिट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे आपका फी वगैरह बच जाएगा थोड़ा बहुत। अगर आप इथेरियम में जाना चाहेंगे तो वहाँ आपका फी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप बीएनबी में अपना फंड थोड़ा बहुत डिपॉजिट कर लीजिएगा, 100-200 रुपए तक का आपका बीएनबी, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पे क्रिएट वाला जो ऑप्शन है इस पे चले जाना है। क्रिएट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा भैया आपका जो एनएफटी वो इमेज है, वीडियो है या फिर ऑडियो है, ठीक है। मैक्सिमम आप जो है 50 MB तक यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपका जो भी हो, अगर आपका इमेज है एनएफटी में तो आप इमेज कर सकते हैं, वीडियो है तो वीडियो आप अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका इमेज या वीडियो हो अपना वो कर लीजिएगा। अब देखें यहाँ पे इमेज ये अपलोड हो चुका है, आपको यहाँ पे नाम और डिस्क्रिप्शन अपना अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। फी आपका जो है कि 0.00005x01 BNB, मतलब बहुत ही पैसे में आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है। अगर आप वीडियो यहाँ पे डालना चाहें तो आप वीडियो इस तरह से आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा अपलोड कवर, मतलब यहाँ पे कवर फोटो डाल देना, मैक्सिमम 30 MB का होना चाहिए, ठीक है। अपने यहाँ पे चूज करके जो भी इमेज है आपका वो डाल के अपना नाम और अपना डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका जो फी लगेगा बहुत ही कम फी है, समझ रहे हैं आप, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हो जाएगा आपका यहाँ पे कलेक्शन वाले ऑप्शन पे दिख जाएगा कि आपका ये कलेक्शन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आपका यहाँ पे सेलिंग पे लग जाएगा तो सेलिंग में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिस्ट एनएफटी कर देना है, ठीक है, जो आपने अपलोड किया आपको यहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा, मिंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे जो है हाईएस्ट बिड पूछेगा या फिर सेट प्राइस या फिर मतलब एक लिमिट प्राइस रखना चाहते हैं वो हमेशा के लिए वही रहेगा या फिर आप जो है कि बिट लगाना चाहते हैं। बिट में आपको एक टाइम देना पड़ेगा कि आप जो है वो बिट लगा दीजिए। उसके बाद आप जो है कि यहाँ पे पेमेंट किस मोड में करना चाहते हैं, इथेरियम से पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर जो है कि बीएनबी में या बीयूएसडी में लेना चाहते हैं वो आप डाल दीजिएगा। अगर आपने वहाँ पे प्राइस बिट पे सेलेक्ट कर दिया तो अगर कोई मान लीजिए आपने जो है कि $100 लगाया हुआ है, अगर कोई बिट लगा रहा है $105 का, तो जो दूसरा है लगाएगा वो 5% पे लगाएगा या 10% या 20%, मतलब उससे 5-10% 20% ज़्यादा का ही लगाना पड़ेगा उसको। तो आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1% रॉयल्टी इनकम, जितने भी बार भी वो सेल होगा उतना 1% रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो एक फिक्स प्राइस आप सेट करिए, उस पर क्या होगा कि जो भी तुरंत वो एट ए टाइम बाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे टाइम ओवर अपना डाल देना, कितने दिन के लिए आप यहाँ पे करना चाहते हैं, और अपना आपका जो कैटेगरी है
आर्ट से है, स्पोर्ट्स है, इंटरटेनमेंट या गेमिंग वगैरह का, वो अपना डाल के डिस्क्रिप्शन अपना अच्छे से डाल दीजिएगा कि अपने एनएफटी का मतलब क्या है, किस उद्देश्य से आपने बनाया है, ये सब सारी चीज़ें अपना कर दीजिए, अपना जो है उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। और जैसे अप्रूव्ड होगा आपका यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे लग जाएगा, आपकी एनएफटी जो है सेल के लिए तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे प्लेस अ बिड दिया हुआ है, अब जैसे कि आपका कोई भी एनएफटी यहाँ पे सर्च करेगा तो इसी तरह से आएगा प्लेस अ बिड। यहाँ पे अगर देखिए करंट बिड लगा हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, इतने टाइम में ये जो बिड है ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर नया बिड आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई आप लगाना चाहे तो या कोई लगाना चाहे तो प्लेस अ बिड करेगा, और यहाँ पे वन इथेरियम यहाँ पे जो भी प्राइस है उतने पे उसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा कोई लगा देगा तो उसको वो जैसे टाइम ये खत्म हो जाएगा 2 दिन 5 घंटे का, उसको वो अलॉट हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से वो चाहे बिड लगाए, क्योंकि एक बार जो बाई कर लिया उसके पास ये पावर हो जाएगा, दोबारा वही सेल करेगा, ठीक है। लेकिन जितनी बार वो सेल होगा उतना आपको 1% एनएफटी मिलता जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि आपको बिनांस एनएफटी मार्केट प्लेस पे आपको कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको अपना एनएफटी अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एक बार अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आप यहाँ से माला माल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कि फर्जी जो क्रिएटर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं आते हैं, जो सर्टिफाइड या वेरीफाइड यूजर होते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उनकी एनएफटी बिकती ही बिकती है। 90% एनएफटी अगर आप क्रिएटर बन गए तो आपकी एनएफटी यहाँ से बिक जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहते हैं कि आप बिनांस एनएफटी मार्केट प्लेस से कैसे बाई और कर सकते हैं, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो ये वीडियो आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।